एक आदमी के पास 1 करोड़ की गाड़ी थी, वह उदास बैठा था। किसी ने पूछ लिया उसके मित्र ने, क्यों भाई तेरे पास तो बड़ी महंगी गाड़ी है, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, बिल्कुल नया मॉडल है, इतनी महंगी गाड़ी में तू बैठा है, बोल किस बात का गम है, दुख किस बात का है। उसने कहा, यार मेरे दोस्त के पास खुद का हेलीकॉप्टर है, मुझे कम मिलेगा। 1 करोड़ की गाड़ी में भी बैठकर वो दुखी क्यों है? क्योंकि वो अपनी गाड़ी से, अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं है। अच्छा, वो अपनी गाड़ी में बैठा था, दुखी था, तभी उसको एक आदमी ने देखा जिसके पास 50 लाख की गाड़ी थी। उसने 50 लाख की अपनी गाड़ी में बैठे बैठे उसे देखा, उसको लगा, वाह इसके पास तो 1 करोड़ की गाड़ी है। अब वो 50 लाख वाला दुखी हो गया कि मेरे पास गाड़ी छोटी, इसके पास बड़ी है, काश मेरे पास ऐसी गाड़ी आ जाती। और जिसके पास करोड़ की है वो भी सुखी नहीं है, वो हेलीकॉप्टर की चाहत लिए बैठा। अच्छा, ये 50 लाख की जो गाड़ी में बैठा था, उसके बगल से कोई एक आदमी निकला अपनी गाड़ी लेकर, उसके पास केवल 10 लाख की गाड़ी थी। उसने देखा, वाह इसके पास 50 लाख की गाड़ी है, काश मेरे पास होती। तो वो 10 लाख की गाड़ी के बगल से एक छोटी गाड़ी वाला निकला जिसके पास 2-2.5 लाख की गाड़ी थी, छोटी सी, वाह इसके पास तो ये गाड़ी है। तभी वहां से एक मोटरसाइकिल वाला निकला, मोटरसाइकिल वाले ने कहा, वाह काश मेरे पास भी ये गाड़ी होती, वो 2.5 लाख वाली, काश ये गाड़ी मेरे पास होती तो मुझे भी भीगना ना पड़ता, सर्दियों में कांच के अंदर बंद रहता, एसी भी चलती। तभी वहां से एक साइकिल वाला निकला, साइकिल वाले ने कहा, काश मेरे पास मोटरसाइकिल होती, वो मोटरसाइकिल वाला कह रहा था कार होती। तभी साइकिल वाले को देख करके, एक साइकिल वाले को देखकर साइकिल वाला भी सोचा कि मेरे पास मोटरसाइकिल होती, गाड़ी होती। साइकिल वाले को देखकर एक व्यक्ति बोला जो कि पैदल जा रहा था, पैदल जाने वाला बोला, काश मेरे पास भी साइकिल होती तो मैं साइकिल से बढ़िया जाया करता। तभी वहां से एक अपाहिज निकला और अपाहिज देखकर बोला, वाह भैया तुम पैदल जा रहे हो, कितने सुखी हो, काश मेरे पास एक पांव और होता तो मैं भी तुम्हारी तरह पैदल चल सकता था। नीचे से लेकर ऊपर तक की मैंने बात बताई, जो जहां है क्या वहां प्रसन्न है? जिसके पास जितना है क्या वो उतने से खुश है? काश व्यक्ति अपने अपने में खुश होता तो आप जीवन में इतने परेशान ना होते। अरे आप इतने भी गरीब नहीं हो कि आपको खाने को रोटियां ना मिले। जितना है आपके पास इतना तो बहुत लोग सोच भी नहीं सकते जितना आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन होकर भी आप सुखी कहाँ हैं? आप फिर भी चाहत लेके बैठे हैं और वही इच्छाएं, वही चाहत आपके दुख का कारण बनी हुई है। आप जिस घर में रहती हो ना मेरी माँ, मेरे भाई, वैसे घर का तो बहुत लोग स्वप्न देख रहे हैं, हाँ या ना? जिस घर में आप रहते हो वैसे घर का लोग अभी सपना देख रहे हैं, जिस गाड़ी में आप चलते हो वह लोगों के लिए सपना है, जो मोबाइल आप चलाते हो वह मोबाइल अभी बहुत लोगों का सपना है, काश मेरे पास भी ऐसा मोबाइल होता, जो कपड़े आपने पहन रखे हैं वो कपड़ों के लिए भी बहुत लोग स्वप्न देख रहे हैं, काश मेरे पास भी ऐसे कपड़े होते। आपके पास जितना है आप यदि उसमें संतुष्ट हो जाएं तो आपसे सुखी इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन आप सब कुछ होने पर भी दुखी हैं क्योंकि इच्छाएं आपको परेशान कर रही हैं। और इच्छाएं किसी की पूरी हुई हो तो बता दो तुम्हारी क्या पूरी हो जाएंगी। इसलिए गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, सबसे बड़ा धन है संतोष, जब आ जाए जितने में आ जाए। सुदामा जी बहुत सुखी थे क्योंकि कुछ ना होने पर भी संतोष था।
और दुर्योधन बहुत दुखी था, बहुत होने के बाद भी वह दुखी था क्योंकि उसे संतोष नहीं था। ये दोनों ही घटनाएं द्वापर युग की हैं, दुर्योधन और सुदामा। क्या बताएं हम, शास्त्र कहते हैं संतोष आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखें पर दोषा। आठवीं भक्ति है संतोष रखना। आजकल व्यक्ति दुखी क्यों है, इसके दुख का कारण क्या है? असंतोष। लोग ये देखते हैं कि मेरा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है। अरे उसे क्यों देखते हो जो 10,000 के जूते पहनता है? उसे क्यों नहीं देखते जिसके पास जूते पहनने को पांव ही नहीं है? उससे तो बहुत अच्छे आप हैं। संतोष करने के लिए बहुत कुछ है। और दुखी रहना ही चाहते हैं आप, तो फिर आप हर हाल में दुखी ही रहेंगे। इसलिए शास्त्र कहते हैं चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां, नैवाङ्ग्रिपाः परभ्रतः सरितोऽप्यशुष्यन्, रुद्धा गुहा किमजतो वतिनोपसन्नान्, कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। जब हमारा गुजारा जितना है उतने में हो जाता है तो हम ज्यादा की हाय हाय क्यों करें? कौन गारंटी लेगा कि तुम्हारे पास करोड़ रुपए हो जाएंगे तो सुखी हो जाओगे? कौन लेगा इसकी गारंटी? बड़े बड़े पैसे वालों को भी हमने रोते देखा है, बड़े बड़े करोड़पति अरबपतियों को भी हमने परेशान देखा है। क्या गारंटी है कि आप धन पाकर सुखी हो जाएंगे? आपके सुख की गारंटी कौन लेगा? यदि सुख की गारंटी कोई ले सकता है तो केवल संतोष नाम का व्यक्ति ले सकता है। संतोष यदि आपके अंदर आ जाए तो आप सुखी हो जाएंगे, गारंटी भगवान ले लेंगे। मैं गारंटी लेता हूं तुम सुखी हो जाओगे। भगवान का चिंतन करो, अकामह सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अलग अलग इच्छाएं नहीं, एक भगवान की इच्छा।